के नाते सरकार बोले बोले बोले, जरा सा माहौल बनाए। कई सालों के बाद लॉकडाउन से पहले आए थे हम लोग बिलासपुर, और लॉकडाउन के बाद अभी आ रहे हैं सुभानअल्लाह। अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, घबराइएगा नहीं। जरा दोनों हाथ उठा के बोले सुभानअल्लाह। के नाते सरकार वाह वाह गुनाए किस्मत को जगमगाएंगे, अपनी किस्मत को जगमगाएंगे। मेरा दिल हिंदू में नहीं लगता, अरे मेरा दिल हिंदू में नहीं लगता, मेरा दिल हिंदू में नहीं लगता, जाने कब मुस्तफा बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। लगे हाथ ये भी चार मिनट बताऊं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। मेरे भाई सबीर बरकाती बैठे हुए हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं कि पढ़ने का मौका दे दिए सुभानअल्लाह। और ये क्यों नहीं देंगे, ये मेहमान है, हम भी मेहमान है सुभानअल्लाह। के ये सजा रही है घर घर से, अरे हम भी हैं फैज़े आबो सुतर से। वो ये सजा रही है घर घर से, हम भी हैं फैज़े आबो सुतर से। क्या कहने, माशाल्लाह। जल्दी आइए आप लोग, बस बहुत कम है। हाँ वाह, दोबारा पढ़े बल्कि दोबारा न सुने, इससे भी दमदार मिसरा सुना दे गरीब नवाज की बार का। इजाजत है, जरा दोनों हाथ उठा के बोले, जोर से बोले या हुसैन। और ये बिल्कुल मशहूर है जमाना चार मिसरे, इससे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई मशहूरी नहीं है कोई भी। के सारे दौलत खरीद बोले 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 सकता हूँ, अरे बादशाहत खरीद सकता हूँ, सारी दौलत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ। वाह 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 वाह, पूरा मजमा जरा मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साजा का हिंदुस्तान। अब चार मिसरे मंकबत के करबला वालों के नाम सुभान अल्लाह। तमाम हुसैनी बैठे हुए हैं, जरा दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन। जिसके पास हाथ है वही उठाए, दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन। के सारी उम्मत का गम समेटा है, वो जो कर वो बला में लेटा है। के सारी उम्मत का गम समेटा है, वो जो कर वो बला में लेटा है। जिसको कहते हैं सब इमाम हुसैन, जिसको हम सब हुसैन कहते हैं, जिसको हम
वाह शकील भाई जिंदाबाद माशाल्लाह बहुत अच्छा वाह वाह हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये आखिरी चार मिसरे माँ के वफादार बेटों के नाम सुभान अल्लाह। अरे देख रहे हैं बड़े रूह पर सादात कराम का नूरानी काफिला जलवा सुभान अल्लाह। यहाँ से वहाँ जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वही बोले दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अब देखते हैं कौन कौन माँ का बेटा नारा लगाता है सुने आप सो जाना एक ने तीन तमा के सो जाना रात में मुस्कुरा के सो जाना एक ने तीन तमा के सो जाना ख्वाब में देखना है कर जन्ना हर ख्वाब में देखना है कर जन्ना ख्वाब में क्या शहर जबान की शायरी है वाह 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 माशाल्लाह बहुत अच्छे वाह। जिंदाबाद बेगर भाई वाह वाह। एक और चार मिसरे जो पहचान है पूरे हिंदुस्तान में हम लोग पढ़ते हैं स्टेज कोई भी हो लेकिन पढ़ना जरूरी है सुभान अल्लाह। बुलाए चना बुलाए पढ़ेंगे जरूर चना दोनों बात उठा के बोले सुभान अल्लाह। के हक पर चम गिरा सब तैयार रहे नारा लगाने के लिए मैं अपने पीर मस्जिद की बात कर वाह 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 ये चार सबील भाई के हक पर चम गिरा हाय हाय नहीं सकते ये नाम ऐसा है जिसको सुनने के बाद गूंगे भी सुभान अल्लाह बोलते हैं। यहाँ तो सब जबान वाले बैठे हैं बस यहाँ से दो तीन शेर नाच के सुन लिया है दोबारा पढ़ने का सुभान अल्लाह। शबीर भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन हम लोग भी उनसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं के हक पर चल गिरा नहीं सकते एक खंबा हिला नहीं सकते हक पर चल गिरा नहीं सकते एक खंबा हिला नहीं सकते चिलगा के दुर्द पाक पढ़ ले जल्दी से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद इन बारी सल्ली सलातो सलाम अली के या रसूल अल्लाह। बस यहां से तो चार शेर सुनी उसके बाद मुझे अपनी जगह याद है ये बहुत अच्छा जलसा है अगर ऐसा ही जलसा रोज हो तो हम लोग बहुत दिनों तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। समाज फिर
वरना लोग दो घंटा डेढ़ घंटा पढ़ने नहीं देते, जब तक नहीं पढ़े दो घंटा ढाई घंटा तो बैठने नहीं देते। बहुत अच्छा जलसा है, सुभान अल्लाह। यहाँ पढ़ने नहीं देते? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट पढ़े नजराना तो पूरा मिलेगा, सुभान अल्लाह। मतलब पढ़ता हूँ सुभान अल्लाह के ये कह रहे। बोले बोले बोले, वक्त बहुत कम है, बस इतना जी के सुन ले सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं बुलबुल, अरे ये कह रहे हैं बुलबुल, सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला, ये कह रहे हैं बुलबुल, सिदरा नहीं पाक के को, रसूल पाक के जैसा नहीं मिला, कोई रसूल पाक के जैसा नहीं मिला। इससे बड़ा शेर रात भर कोई पढ़ नहीं सकता है, नात का शेर। अब अगला शेर सुनिए। जिंदा है घर जमीन तो हरी निशा उसे कहो, जिंदा है घर जमीन तो निशा उसे कहो, किसको तरे रसूल का, किसी को तरे रसूल का टुकड़ा नहीं मिला, किसको दरे रसूल का टुकड़ा नहीं मिला। सुभान अल्लाह। अब एक शेर बरकत के, करबला वालों के नाम जरा दोनों हाथ उठा के बोल दे, या हुसैन। दुनिया में और भी है, हर हर बेटियां, दुनिया में और भी है, हर बेटियां, लेकिन जवाब फातिमा, लेकिन जवाब फातिमा जहरा नहीं मिला, लेकिन जवाब फातिमा जहरा नहीं मिला। और ये शेर बहुत अच्छा शेर है, सादात इकराम के हवाले से, ये हमारे मैयत रखी है जिसकी, जनाजा नहीं मिला। एक शेर और इस कबीर का बहुत अच्छा शेर है, आज के उस तकलीफ से आप हजरात इसे लेके जाए, लेकिन उससे पहले एक मरतबा अपने माँ बाप के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिंदा है वालदैन तो जन्नत खरीद लो, जिंदा है वालदैन तो जन्नत
कहे लगे मौका नहीं मिला। मैं इस कलाम को ही रंग रहा हूँ, हजरत का हुक्म है, आमद के कुछ शेर पढ़ दे रहा हूँ, दो तीन शेर ज्यादा नहीं। हम लोग वक्त के बहुत पाबंद आदमी हैं, इसीलिए देख रहे सेहत इतनी अच्छी है माशाल्लाह। अभी भी हम लोग जवान लगते हैं कि नहीं बताइए, ईमान से बोलिए, है ना माशाल्लाह। सुने सब नबी की नात की बरकत है, सुभान अल्लाह। सुन ले यहाँ से दो तीन शेर, हजरत का हुक्म है, आमद का मतलब समाज करें। सजाओ मिल के सुभान अल्लाह, सजाओ मिल के बामो दर मेरे सरकार आए हैं, सरकार आए सजाओ मिल के बामो दर मेरे सरकार सरकार आए और अब शेर सुनिए मोहब्बत से, जरा दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आप लोग बोलते रहे वरना हम पढ़ते रहेंगे। हाँ एकदम बोलते रहिए ताकि शबीर बरकाती भाई आज जम के पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। जब तक अजान नहीं हो जाती है इनको छोड़ना नहीं है सुभान अल्लाह। हलीमा बहुत दमदार शेर है, इजाजत दे तो सुना दे वरना कलकत्ता वापस। सुनेंगे आप लोग जरा दो नमाज उठा के बोलिए या अली, और जोर से बोले या अली। यही कहते सरकार आए। एक सिर्फ मतलब सुन लीजिए मेरी ख्वाहिश पढ़ते जरा मेरे पास बोल दिया या हुसैन, और तो आपके बोले या हुसैन मतलब सुन ले बस बस। फिर जब से मैं बुलाएंगे तो पूरा कलाम सुनाया जाएगा सुभान अल्लाह, लेकिन बिल्कुल हुसैनी रंग में मतलब सुनिए ताकि माहौल बन जाए। जरा दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन।
और जोर से बोले या हुसैन कि बेशक है वही जो हुसैनी है वही बोले या हुसैन बेशक है वही सच्चे वफादार हुसैनी बेशक है वही सच्चे वफादार हुसैनी बेशक है वही सच्चे वफादार हुसैनी बेशक है वही तैयार हुसैनी जो दीन पे मरने को है तैयार हुसैनी जो दीन पे मरने को है तैयार हुसैनी।